बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हो। तो जी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और मैं गूंद रही हूँ आटा। बच्चा जो है वो अब्दुल हादी उठ गया और अब्दुल्ला जो है ना वो अभी तक सो रहा है, और मैंने कहा जल्दी से जो है ना आटा गूंद के नाश्ता बना लेती हूँ। बिस्तर जो है मेरे अभी तक वही भी पड़े हुए हैं क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना वो सोया हुआ। सूरज जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा निकला है और आज मौसम जो है ना वो कुछ थोड़ा सा ख़राब सा बारिश वाला लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं जी, नाश्ता बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी दिन से जो है ना हमारा सेकंड टाइम का व्लॉग स्टार्ट होता था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, और आज हमने कहा कि सुबह जो है ना नाश्ते की रूटीन आप लोगों से शेयर की जाए। अब उठे हो, पहले सोए रहे हो, भूख लगी हुई है कितनी ज़्यादा बताओ पहले, बताओ पहले। ठीक है चलो, आप चलो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए नाश्ता। साथ बनाऊंगी चाय और उसके साथ होंगी चीज पराठे, ऐसे ही है ना। आटा जो है वह मैंने गूंद लिया है और बच्चे जो है ना वो भी उठ गए थे। पहले मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मैंने कहा इस तरह बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे और चादरें भी इधर पड़ी हैं, तो इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। अब माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे उठ गए और मैंने कहा बिस्तर लपेट के ना सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे सीन में इतना ज़्यादा कचरा तो नहीं है, मतलब गंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद जी आग जला के बनाएंगे नाश्ता। अभी मेरे बच्चों का मूड जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर नहीं, तो अभी सुबह सुबह रोने की आवाज़ें आनी थी। कभी कभी जो है ना अब्दुल्ला या अब्दुल हादी का मूड काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों का मूड अच्छा है, इसलिए दोनों भाइयों ने उठते ही खेलना स्टार्ट कर दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, झाड़ू मैंने लगा दिया है और प्यारा सा खूबसूरत सा जो है ना वो घर हो गया है। मैंने कहा सबसे पहले घर को साफ सुथरा करके फिर बनाऊंगी नाश्ता। तो चार पाई जो है ना मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने बनानी है रोटियाँ। और यहाँ पे शहजाद साहब और मेरे दोनों बच्चे साथ ही बैठ के, चलो ये है कि खाना खा लेंगे। अभी सुबह सुबह जो है ना अंदर नहीं बैठ जाएगा, सुबह सुबह बाहर बैठने वाला माहौल होता है, इतना ठंडा और इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हवा जो है ना वो चल रही, इतनी ज़्यादा नहीं है। जंतर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए मैंने चारपाई यहाँ पे रख दी है ताकि शहजाद साहब यहाँ पे बैठ के साथ में जो है वो सीन भी लेते रहेंगे नाश्ते के, और साथ इजी यहाँ पे बैठ भी जाएंगे, नाश्ता भी कर लेंगे। अभी जी आग लाते हैं चूल्हे में और बनाते हैं नाश्ता। सबसे पहले चाय बनाऊँगी और माशाल्लाह माशाल्लाह फूल देखें जी कितने प्यारे प्यारे जो है ना वो निकल रहे हैं। ये देखें अभी तक कलियाँ जो है ना अभी ये खिल रही हैं। ये देखें ये इसमें ना मैंने थोड़ा सा एक पुदीना भी लगा दिया और माशाल्लाह ये जो हमारी दूसरा जो मैंने गमला बनाया मिट्टी वाला उसके जो फूल है ना माशाल्लाह वो भी मतलब उसने जड़े नीचे ज़मीन में ना स्टार्ट कर दिए हैं फैलना, तो अभी माशाल्लाह ये भी सरसब्ज़ है, कल तक जो है ना माशाल्लाह इसके भी फूल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब्दुल हादी खड़ा है जी, अभी तक किसी ने हमें तंग नहीं किया, लेकिन तंग करने से पहले जो ना मैंने इनकी चीज़ ला कर रखी थी, मैंने कहा ये ना जब उठेंगे तो इनको मैं चीज़ दे दूंगा। ये पकड़ो एक बंटी आपकी, एक बंटी आपकी, चलें जी एक बंटी और एक ये इसे दे दी है, और एक ये बंटी और ये जो ना ये अब्दुल्ला का है। अब्दुल्ला भी पहुँच आया है, अब्दुल्ला भी पहुँच आया जी बिल्कुल। ऊपर से निकल गया है ये ले अब्दुल्ला, आपको एक मिलेगी और अब्दुल हादी को दो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपके साथ हमने फ़र्क रखना है, अगर आपको दो चीज़ें देंगे तो फिर फ़र्क नहीं रखा जाएगा, ऐसे ही है ना जी, क्योंकि अब्दुल्ला को भी दो चीज़ें देंगे, अब्दुल हादी को भी दो देंगे, फिर फ़र्क नहीं महसूस होगा, देखने वालों को महसूस नहीं होगा, ऐसे ना ऐसे ये है ना कि अब्दुल हादी दो चीज़ें खाएगा और अब्दुल्ला एक खाएगा, अब्दुल हादी फिर अब्दुल्ला जो है ना फिर अब्दुल हादी के मुँह की तरफ देखता रहेगा ना, फिर आप लोगों को एहसास होगा कि नहीं यार अब्दुल हादी के साथ ज़्यादा प्यार करते हैं और अब्दुल्ला के साथ कम करते हैं। अब्दुल्ला ऐसे ही है ना, अब्दुल्ला ऐसे ही है ना, हाँ जी देखने वालों को समझाएं ज़रा, ये ले आपकी भी दो चीज़ें होगी, ठीक हो गया अब खुश हो, चलें चलें जी दोनों भाइयों को जो ना दो दो चीज़ें दे दी, ये सिर्फ मजाक था, आप लोगों सीरियस ही ना ले जाइएगा, जो फ़र्क रख जिनको फ़र्क महसूस होता है वो तो होता ही रहेगा, वो तो हम जितनी भी कोशिश कर लें वो तो मतलब कि ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ जी माशाल्लाह जी बहुत प्यारा लग रहा है, किचन के साथ चार भी पड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे अभी मैं बैठता हूँ जी, और यहाँ पे बेगम साहबा जो है काम कर रही होंगी ऐसे, उनके पास में बैठ जाऊँगा ऐसे, बच्चे जो है ना जी विंडो में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बड़ा पुरसकून माहौल है और यहाँ पे शोर शराबा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता, और दोनों भाई बैठ के गपशप लगा रहे हैं अपनी मतलब कि अपनी लैंग्वेज में जो ना गपशप लगा रहे हैं, इनकी समझ इनको खुद को ही लगती है और किसी को नहीं समझ लगेगी। और यहाँ पे जी चाय ऊपर रख दी गई है, आग जला दी गई है, ये देख सकते हैं आग थोड़ी सी मुश्किल जलाई गई है क्योंकि लकड़ी जो आपको पता सुबह सुबह थोड़ी सी गिली होती है और तंग भी बेगम साहब करती, और इसके बारे में आप लोगों को मैं आगाह कर दूँ ये क्या चीज़ है। हाँ जी हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं जी चिमटा, चिमटा जिया, तो बाज़ का इसका इससे जी लोगों कैसे ना नोज़ी भी पकड़ी जा सकती ऐसे करके, लेकिन हम नहीं पकड़ेंगे। आप अपने अपने शहर में अपने घर में इसे क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर, ये बड़े काम की चीज़ है। और उसके बाद हाँ जी यही आप हाथ है ना यहाँ पर लगाते हैं इसलिए हमने चिमटा यूज़ कर दिया। तो सूरज जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊँ, ये जो सामने ब्लैक ब्लैक बादल खड़े ना ये वाले, इनके सामने पीछे जो है ना वो छुप गया, अभी नज़र आ रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाना था लेकिन वो मैं इधर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया वो फिर छुप गया। अस्सलामुअलैकुम, पीछे हट जा पीछे आ जा पीछे, मेरा शहजादा ने मेरे साथ सलाम लेना, अस्सलामुअलैकुम। ये देखे मस्ती देखे इनकी मस्ती, साथ मम्मा नाश्ता बना रही है और साथ ही बच्चे जो है ना वो खेल भी रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों का मूड बहुत फ्रेश 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 है, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा पीछे हट के दिखाते हैं जी आपको, ये देखे मेरे अल्लाह की शान माशाल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय हमारी बन चुकी है और अभी बेगम साहब ने कहा जी नाश्ते के साथ जो है ना कोई सालन नहीं बचा था रात को, मतलब कहने ही हमने बनाया था कोई भी ऐसा सालन जो बच जाए, तो अभी इन्होंने कहा जी जो है ना थोड़ा से आलू काट लेते और ग्रेवी टाइप जो है ना वो थोड़ा सा बना लेते जो जल्दी बन जाए। और ये आलू जी मैं मंडी से लेके आया था 5 kg, एक धड़ी जिसे कहते हैं। मैंने कभी चले ज़्यादा नहीं, कोई 2 हफ्ते तो हमारे गुजरे सुकून से। एक टाइम कोई चीज़ नहीं होती तो बंदा आलू पका लेता है और टेंशन नहीं होती। और ये आलू बहुत ज़बरदस्त, ये रेड वाले आलू हैं और ये मीठे नहीं बनते, ये नमकीन बनते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं जा रहा हूँ जी बाहर, काम है मुझे, तो मैं अभी वापस तकरीबन 5-10 मिनट तक आता हूँ वापस। माशाल्लाह जी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है, बाइक पर बैठा हूँ तो बड़ा दिल को सुकून सा मिल रहा है। तो वेलकम बैक जी, मैं घर से वापस आ गया था, अभी मैं घर ही गया हुआ था और आप लोगों ने देखा, लेकिन मैं आगे कैमरा नहीं लेके गया था, जहाँ तक मुझे मुनासिब लगा ले गया था। वहाँ मैं क्यों गया था जी, इस वजह से गया था क्योंकि अम्मी जो है ना वो लाहौर है, आप लोगों को मैंने बताया भी था लाहौर है, और अम्मी की बात करवाने के लिए मैं उस घर में गया हुआ था बड़ी भाभी से। अम्मी ने मुझे सुबह सुबह कॉल की कि मेरी बात करवा के आएँ, और घर में मोबाइल नहीं था इस वजह से मेरी मोबाइल से बात होनी थी और मैं करवाने गया था। यहाँ से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा बाइक पर लग जाते हैं 10 मिनट लग जाते हैं, वो करवा के वापस आ चुका हूँ मैं। तो अभी आलू जो है वो रख दिए माशाल्लाह, अभी इसके अंदर मसाले वगैरह जो है ना वो डालते हैं। और गर्मी का सुनाएं, गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह ही गर्मी इतनी ज़्यादा बन गई है ना कि बैठा नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जब सूरज नीचे था तब छांव देखे, पीछे थी आगे थी, मतलब कि बेगम साहब को इस दीवार का आसरा मिल रहा था, जैसे सूरज ऊपर आया छांव पीछे पीछे हटती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता जो ना तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और बच्चे हमारे जो बाहर साइकिल के साथ खेल रहे हैं और पंखा चला हुआ, यकीन माने इतना इतना पर सुकून है ना, और बाहर तो होए होए ना ही पूछे। बड़ी मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाया, इतनी गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, और तो हमने फिर हाथ बंद की हुई है, लाइट ना होना तो फिर हम ये विंडो खोल, हवा ताज़ा ताज़ा और मतलब यहाँ से ठंडी हवा आती है क्योंकि धान लगी हुई है ना, और यहाँ पे हमेशा पानी रुका रहता है और बहुत ठंडी हवा आती है। अभी जी लाइट है, पंखा चला हुआ है और अभी जरूरत नहीं है वैसे नाश्ता करने लगे हैं, तो इसको हम जी बंद कर लेंगे और रात को जो है ना हम जो है ना वो खुली लगा देते हैं। हाँ जी, रात को ये खुली नहीं होती, रात को ये बंद कर देते हैं। और अभी जी नाश्ता कर लेते हैं, और आज गर्मी में बेगम से मैंने नाश्ता बनाया और बस हो गई है, व्लॉग का यही एंड करते हैं क्योंकि सुबह सुबह हमने कहा व्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद गर्मी होती और दिल ही नहीं करता कैमरा ऑन करने को भी, और कैमरे का भी बेचारे का दिल नहीं करता ऑन हो क्योंकि बार बार हीट हो जाता है और ऑन ही नहीं होता कैमरा हमारा। तो अभी जी शना सब भी आ जाते हैं कैमरा ऑफ करके, हमेशा जो है ना मैं व्लॉग बनाते हैं तो खाना मेरे सामने पड़ा होता है, लेकिन जब तक शहजाद नहीं आता तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, सब कहते हैं कि आप उनके लिए खा जाती हो, और शहजाद साहब को खाना नसीब नहीं होता, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने शहजाद साहब के बगैर खाना खाया हो। हाँ अलबत्त अगर शहर हो कहीं दूर हो तो फिर जो है ना घर में मौजूद ना हो फिर वक्त खाने के वक्त फिर मैं खा लेती हूँ। तो अभी कैमरा जब ऑफ करके यहाँ पे आके बैठेंगे तभी हम खाना स्टार्ट करेंगे, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ब्लॉग एंड करते हैं, हमें अपनी नेक दुआओं में जरूर याद रखेगा और अपना रखेगा जी ढेर सारा।